अच्छा है, मेरी मूवी आ रही है द वैक्सीन वॉर, बहुत खुश हूँ मैं आज। अच्छा है, बहुत दिन बाद मुझे बड़ी स्क्रीन पे सिल्वर स्क्रीन पे आने का मौका मिलेगा, बजाओ ताली। लेकिन ताली बजाने से पहले अनंत चल रिव्यू बता इस चैनल पे मेरी फिल्म का द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, कैसा लगा तुझे और ऑडियंस को कैसा लगा, जल्दी बता। अच्छा हाँ नाना भाई बिल्कुल, आपकी फिल्म आ रही है द वैक्सीन वॉर और उसी के ट्रेलर का मैं रिव्यू करने के लिए आ गया हूँ। तो फटाफट से बताते हैं हमारे नाना भाई की द वैक्सीन वॉर कैसी है, और इसे बना रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। तो चलिए पता करते हैं ये ट्रेलर है कैसा। और दोस्तों 2022 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स, इसे डायरेक्ट किया था विवेक अग्निहोत्री ने, और विवेक अग्निहोत्री को द कश्मीर फाइल्स में जो पब्लिक का प्यार मिला था, तो फिल्म के ओपनिंग डे से लेकर जब तक फिल्म थिएटर से उतर नहीं गई तब तक लोगों ने फिल्म की तारीफ की, लोग इमोशनल हो गए क्योंकि इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाए लोग इस फिल्म से, और हर तरफ सिनेमा हॉल भरे हुए थे। तो विवेक अग्निहोत्री फिर से हाजिर हो गए हैं अपनी नई फिल्म द वैक्सीन वॉर के साथ, और फिल्म की जो कहानी है वो कोरोना वायरस के समय की होने वाली है, जब इसमें भयंकर देश में कोविड पैंडेमिक आया था, तो उस टाइम पे हमारे देश की क्या स्थिति थी और किस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई थी, ये कहानी का जो है प्लॉट होने वाला है, बेसिक प्लॉट। ये तो हम सबको पता ही है कि कोरोना में क्या क्या हुआ था, और फिर भारत के वैज्ञानिकों ने सबसे असरदार वैक्सीन बनाई थी, इसलिए कैसे वैक्सीन बनाई, उनको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, ये इस कहानी में विवेक अग्निहोत्री दिखाएंगे। तो विवेक अग्निहोत्री की दाद देनी पड़ेगी भैया, द कश्मीर फाइल से ही विवेक अग्निहोत्री से लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये जो आदमी है ना विवेक अग्निहोत्री, ये जानते हैं कि लोगों को कैसे रुलाना है, लोगों को कैसे इमोशनली कनेक्ट करना है और लोगों को कैसे रिलेट करवाना है, जो कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स में किया और लोग इमोशनली कनेक्ट हुए थे। इस बार भी एक इमोशनल और देशभक्ति से भरी हुई स्क्रिप्ट के साथ विवेक अग्निहोत्री हाजिर है। तो फिल्म में नाना पाटेकर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, और उनका उद्देश्य है कि कोरोना की वैक्सीन बनानी है, और वो भी सबसे प्रभावी वैक्सीन, सबसे असरदार वैक्सीन। और इसके साथ ही मीडिया को अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, जो दिखाया गया है इस फिल्म में। रायमा सेन का जो है किरदार है वो जर्नलिस्ट है, वो बताता है कि भारत वैक्सीन नहीं बना सकता है, देश की स्थिति बहुत खराब है, मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बेड्स की कमी है, सारी खबरें निकल के बाहर आ रही हैं। इन सब के अलावा सभी साइंटिस्ट पे वैक्सीन जल्दी बनाने का प्रेशर भी है, और नाना पाटेकर पर दूसरी ओर मीडिया भी कह रहा है कि हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं बना पाएंगे, उनमें काबिलियत नहीं है, साथ ही इतना बजट भी नहीं है कि वैक्सीन बन पाए 140 करोड़ भारतीयों के लिए। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वैक्सीन बनाने की, जो उन्होंने पूरी भी की, पूरी करते वक्त उन पे क्या गुजर रही थी, वो किस प्रेशर से गुजर रहे थे, पारिवारिक प्रेशर, मेंटल प्रेशर, स्वास्थ्य का प्रेशर, क्या डर था, ऐसे में किस तरह से सारी परेशानियों से गुजरते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन बना दी, ये इस ट्रेलर में दिखाया गया है बहुत ही इमोशनल वे में और देशभक्ति वाले अंदाज में। तो मेरा दिमाग जो है ट्रेलर देखते समय इस बात के लिए उलझा हुआ था कि यार इसमें इमोशनल हो जाऊं या प्राउड हो जाऊं, तो मेरे ख्याल से आप दोनों हो सकते हैं जब आप फिल्म देखने जाएंगे। तो ट्रेलर इमोशनल और प्राउड दोनों फील कराने वाला है, ऊपर से नाना पाटेकर की एक्टिंग, भैया हमारे नाना भाई, सारे ट्रेलर में नाना पाटेकर ही छाए हुए हैं, दूसरे किरदार पे ज्यादा ध्यान हमारा जाता नहीं है। बाकी ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर गजब का है, और ट्रेलर को पहले ही दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है, और ट्रेलर में खुद ही इन लोगों ने इसे मास्टरपीस बता दिया फिल्म को। खैर देखते हैं कैसी होती है। तो द वैक्सीन वॉर में नाना पाटेकर जी के अलावा नजर आने वाले हैं रायमा सेन, अनुपम खेर, गिरजा ओक, निवेदिता भट्टाचार्य, सप्तमी गौड़ा, और नेशनल अवार्ड जिन्हें हाल ही में मिला है और इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है पल्लवी जोशी जी, जो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की वाइफ भी है। तो ये था मेरा वैक्सीन वॉर को लेकर मेरा ट्रेलर का रिव्यू, और 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, और इसका क्लैश होने वाला है फुकरे 3 के साथ। तो ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि द कश्मीर फाइल्स की तरह लोग भी इसे कनेक्ट करेंगे। और एक बात और नोट करने वाली है कि पूरे ट्रेलर में कहीं भी वैक्सीन्स का नाम नहीं लिया गया है ऑफिशियली, साथ ही सिर्फ वायरस की बात की गई है, कोरोना वायरस जैसा कोई नाम इसमें नहीं लिया गया है। हो सकता है नेगेटिविटी को दूर रखना चाह रहे हो फिल्म से, तो इसलिए इशारों में बात की गई है, लेकिन बात हम सबके समझ में आ जाती है। तो आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं या नहीं 28 सितंबर को कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।